हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। बट बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस समय उन्हें भी फीवर हुआ है, तो उनके लिए मैं दिल से दुआ करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं डेली ब्लॉग अच्छे से डाल सकूँ। और अब मैं हैप्पी करवा चौथ बोलूँ या ना बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि करवा चौथ के बाद काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग जाएगा। और इतने टाइम बाद ब्लॉग जो था ना, जो वीडियो मैंने शूट किया था, वो काफ़ी वीडियो मेरा मिस हो गया। और कुछ वीडियो तो आधा चल रहे हैं, आधा जो है ख़राब हो गए हैं। तो खैर छोड़िए, जितना है मैं उतना आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। अभी मैं किचन में हूँ और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ। शाही पनीर के लिए मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर इन सबको सॉफ्ट कर लिया है। मैंने ब्राउन नहीं किया है, सॉफ्ट सिर्फ किया है। और ये मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मतलब दरदरा पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये मैं मिक्स वेज में डालूँगी आलू गोभी के। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। और अभी जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं गोभी, शिमला मिर्च, बाकी जितना भी जैसे कि आलू वगैरह है, सब फ्राई कर लूँगी। क्योंकि आज मैं आप लोग से जो रेसिपी है ना, वो फुल शेयर नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा मैं बस रिकॉर्ड कर ले रही थी। और यहाँ देखिए मैं पनीर को मैरिनेट कर लेती हूँ। तो पनीर को मैंने क्यूब साइज़ का कट कर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मैं ग्रेवी में भी नमक डालूँगी। और आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया है। और इस सबको अच्छी तरीके से मिला के पनीर के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए, तो इसे रख दूँगी 10 से 15 मिनट, आप आधा घंटा भी रख सकते हो। तो मैंने उसे साइड में रख दिया। इधर मैं गोभी फ्राई कर ले रही हूँ। इधर शिमला मिर्च, जितने भी वेजिटेबल हैं मैं डालूँगी मिक्स वेज में, वो सब मैंने कट कर लिया और धुल लेती हूँ। और ये चना दाल है, इसे मैं वाश कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भेबी फारा जो होता है, भेबी फारा गोरखपुर का है, यहाँ पर लोग इसे फारा इसे बोलते हैं, तो वो हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, ये मेन होता है। तो उसके लिए मैंने चना सुबह ही फुला दिया था, चने दाल को। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गोभी जो है वो फ्राई हो गई है। बस मैंने सौते ही किया, फ्राई नहीं किया है किसी भी चीज़ को। और अब मैं शिमला मिर्च को हल्का सा सौते कर लूँगी, फ्राई नहीं करना इसे, बस हल्का से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगी। और मैंने दो तरह का शिमला मिर्च काटा था, एक मैंने बड़े बड़े साइज़ का काटा था और एक लच्छे जैसा लच्छा होता है ना, वैसे मैंने काटा था, क्योंकि लच्छा वाला जो था वो मुझे मिक्स वेज में डालना था और क्यूब साइज़ का मुझे पनीर में डालना था, शाही पनीर में डालना था। तो वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इधर मैं चावल का आटा लगा रही हूँ गर्म पानी से, तो मैं इस बड़े से बर्तन में लगा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पेंटिंग का काम अभी चल रहा है पुट्टी का। और मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली, शाही पनीर। अब मिक्स वेज बनाऊँगी तो सारी सब्ज़ियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं, आलू वगैरह। और आटा जो है अभी बहुत हार्ड हो गया था ना गर्म पानी डालने से, तो थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। इधर मेरी खीर भी पक गई है। खीर में मैंने चीनी और ड्राई फ्रूट्स और इलायची दाना ये सब डाल के, इलायची का पाउडर मैंने बनाया था घर पे ही, सिर्फ इलायची के दानों का, तो वो मैं डाल लेती हूँ। और ऑलमोस्ट मेरा आधा खाना कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ अभी हम फारा बना रहे हैं मैं और क्षमा मिल के। क्षमा का भी तबीयत सही नहीं था कुछ, तो वो बोली कि दी लाओ मैं थोड़ा सा फारा बनवा देती हूँ। तो अभी देखिए हम फारा बना लेते हैं। जब सारा फारा बन जाएगा तब मैं इसे स्टीम के लिए रख दूँगी। पानी मैंने पहले से ही बॉयल होने के लिए रख दिया है। और नीचे मैं चौवा लगा देती हूँ, ऊपर से मैं फारा रख के उसे स्टीम करने को रख दी हूँ। और यहाँ देखिए मेरी मिक्स वेज भी रेडी है। और इधर पूड़ियाँ तलने के लिए तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे वीडियो में। और अब मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ, क्या हालत हो गई है घर की। पूरा सामान अस्त व्यस्त है, पूरे फर्श पे जो है पुट्टी का पाउडर जो है वो गिरा है। मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, मुझे दोनों चीज़ देखना पड़ रहा था, व्रत भी थी और किचन भी, और मिस्त्री लोग का काम भी, कि कहीं वो लोग कुछ छोड़ ना दें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी काम आज जो था ना करवा चौथ के दिन, आज करवा चौथ के दिन था काम, और उसके नेक्स्ट डे भी काम चला था, फिर काम जो है फाइनल हो गया था। आज ये पुट्टी का काम सारा ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने डिनर तैयार कर लिया है और आ गई हूँ पूजा की थाली तैयार करने के लिए। थाली नहीं, बस फ्रेंड्स जो तैयारियाँ होती हैं, जैसे कि चावल और चावल जो होता है पिसा हुआ,
और हल्दी को एक साथ मिक्स करके और करवे में हम लोग लेप लगाते हैं, मिट्टी के करवे में और पीतल के करवे में, दिया में, सब में। तो यही सब तैयारी मैं कर ले रही हूँ, फिर छत पे जाऊँगी। अभी भी तबीयत सही नहीं है, बट मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगी थी फ्रेंड्स, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीत गया, सच में मुझे इस बार पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स अभी मैं तैयार हो गई हूँ, फिर छत पे जाऊँगी पूजा के लिए। और आज मैंने मेकअप का कुछ भी शेयर नहीं किया आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं तबीयत ख़राब है और दो काम मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ। तो वैसे मेकअप भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पहन लिया है ज्वेलरी वही पहनी थी, फेस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और अभी मैं छत पर आ गई हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐपन बना लेती हूँ, आटे में हल्दी को डाल के, वो शुभ माना जाता है। और फिर करवा माता का मैं तस्वीर लाई थी, उसे लगा दूंगी और फूल से डेकोरेट कर दूंगी अच्छी तरीके से। और ये हैं लल्ला हमारे, उन्हें भी मैं फूल का ज्वेलरी पहना रही थी। और फिर सबसे पहले मैंने गौरी गणेश को बैठा दिया। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना करवा भर रही हूँ, जिसमें मैंने 4 पूड़ियाँ, 4 लड्डू, 4 फारा और 4 सिंघाड़ा ये हमारे यहाँ भरा जाता है। और आप किस तरह से करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी देखिए मैं अपना करवा भर लूँगी, फिर पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, उनका भी बड़ा मन था कि वो घर पे रहें, पर वो छुट्टी मांगे थे, एप्लीकेशन लिखे थे, पर उनको छुट्टी नहीं मिली। तो मैं उनका क्या बोलते हैं कि वीडियो कॉलिंग से ही मैंने उनका पूजा कर लिया। और अभी देखिए नारियल रख दूँगी और स्वास्तिक बना दूँगी, फिर जो करवा की कथा की किताब होती है ना, उसका भी पूजा मैं कर लेती हूँ, फिर मैं कहानी पढ़ना शुरू कर दूँगी। बार था जिसके साथ बेटी और एक दुखी के साथ भाई की चौथ का व्रत आया। तो गर्भजात माता की मरी खाऊंगी, तो भाइयों ने सोचा कि जान दूंगी, तक तो बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका। और तो फ्रेंड्स अभी मैंने कहानी सुन ली है और अब मैं करवा बदल रही हूँ। अगर फ्रेंड्स ढेर सारी लेडीज़ होती हैं ना, तो हम उनके साथ अपना करवा बदलते हैं, पर मैं अकेली करती हूँ इसलिए मैं खुद से ही अपने करवा की अदली बदली कर लेती हूँ। और हमारी सास भी ऐसे करती थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का सारा वीडियो हो गया है, बहुत सारा वीडियो तो मिस भी हो गया। और अभी देखिए चाँद निकल आया है, तो मैं करवा लेके जा रही हूँ पूजा करने। ठीक है, और चलो ठीक है, बहुत सुंदर चाँद, मतलब जो मैंने पूजा किया ना, वो तुरंत के तुरंत चंद्रमा उदय हुए थे और सामने से मुझे दिख गए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चांद के साथ साथ इनका भी दर्शन कर लिया। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपनी पूजा कर ली है करवा चौथ की, और आज मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बस यही जो मैंने पहना है वही सब, और फेस पे कोई भी मेकअप और आई का कोई मेकअप मैंने नहीं किया है। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, अब पूजा मेरा हो गया है, अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वाला भी क्लिप ख़राब हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में।